हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी को। सभी कैसे हैं? आई होप कि सभी कोई अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को जैसा पता है कि हम लोगों ने इस वीडियो सीरीज के जो जो हमारा कारवां है उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 13 क्लासेस अब तक अच्छे से कंप्लीट किया है, जिसमें से कि 3 चैप्टर जो है अच्छे से पूरे उसको डीप में अच्छे से समझते हुए उन चीजों को हम लोगों ने कवर किया है, जिसमें कि मोर देन 200 प्लस क्वेश्चंस हम लोगों ने अब तक सॉल्व कर लिए हैं विद कंसेप्ट एंड फुल डिटेल्स के साथ। तो ऐसे यदि कोई न्यू बच्चे जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप वो वीडियो को भी देख लीजिएगा जो जो आपका चैप्टर जो आपका छूट गया है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट चैप्टर जो था आपको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ठीक है, वो था। उसके बाद सेकंड चैप्टर आईटीआई टूल्स था, थर्ड चैप्टर बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बात करें यदि इन सब का, तो ये जितने भी चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये आप लोग का जैसे फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर छोड़ दें तो थर्ड चैप्टर जो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, या आज जो चैप्टर जो हम लोग चैप्टर नंबर 4 जो करेंगे, ठीक है, मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ये जो चैप्टर है आपके इलेक्ट्रिशियन ट्रेड हो या फिर वायरमैन ट्रेड हो या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक्स ट्रेड हो, आईटीआई की बात करें तो, यदि डिप्लोमा की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ओके, और 10th क्लास का यदि बात करें तो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, ये सब जो चैप्टर है आपका, ये सारे चीज आप लोग को उन सब आपके जो लाइक 10th है चाहे 12th है, इन सब में भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी। तो यदि आप यदि 10th के भी स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो को आप देख सकते हैं, या फिर आप यदि डिप्लोमा कर रहे हैं तो भी देख सकते हैं। आईटीआई के बच्चे तो देख ही सकते हैं कि उनके उनके लिए ही तो खास ये बनाया ही जा रहा है। तो होप गाइज कि आप लोग को ये चीजें जो है बेहतर ढंग से समझ में आ रही हैं, कि जो पहले जो मैं क्लासेस लिया हूं उनमें आप लोग को ये चीजें अच्छे से बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। और यदि फिर भी कुछ आप लोग को डाउट्स रहता है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, वहां भी आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, या फिर आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चंस क्वेरी कर सकते हैं, या फिर मेरा फेसबुक ग्रुप भी है, वहां पे भी जो है आपको सभी चीजों का जो है लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से भी जाके आप कनेक्ट होकर रहिए मेरे साथ। और साथ ही साथ आप लोग को जो आईटीआई से जुड़ी जो अपडेट्स आती रहती हैं एनसीबीटी या डीजीटी की तरफ से, वो सब भी आप लोग को जो है यहाँ पे अवेलेबल कराया जाता है। साथ ही साथ आप लोग के स्टडी मटेरियल जितने भी होते हैं सभी आपको यहाँ पे अवेलेबल कराया जाता है। और यदि हम लोग बात करें कि कॉम्पिटिटिव व्यू से, तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ तैयारियां भी कराई जाती हैं। तो आप लोग बस एक संपूर्ण फैमिली टाइप से बन करके रहिए और चीजों को बस समझते रहिए, पढ़ते रहिए। और यदि आप लोग को कंटेंट ये समझने में कहीं परेशानी होती है तो मैं बार बार आपको कहता हूँ, आप बेझिझक आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ओके। और एक जो अच्छे नागरिक का जो कर्तव्य होता है कि चीजों को इधर से उधर स्प्रेड करना, फैलाना, वो काम भी आप लोग करते रहिए। वीडियो में मेहनत लगता है, पूरा पीपीटी तैयार करने में बहुत मेहनत लगता है, तो फ्री में पढ़ाया जा रहा है तो आप लोग को थोड़ा लग रहा होगा, आप लोग आते हैं 2 मिनट देखते हैं चले जाते हैं, ऐसा नहीं कीजिए। आते हैं तो कम से कम आधा 1 घंटा आप अपना टाइम यहाँ भी दीजिए, ताकि चीजें आप लोग को बेहतर ढंग से समझ में आ सके, तो फ्यूचर में काम आए, आपका एग्जाम जो हो उसमें काम आए, कॉम्पिटिशन एग्जाम हो उसमें आपको काम आए, ठीक है। ऐसे ही बेगारी होकर के चल जाएगा, समय भी चल जाएगा और फिर उम्र भी चल जाएगा, इसलिए व्यर्थ नहीं करें समय को और ध्यान दें पढ़ाई पे। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। मेरा जो जो स्टाइल है वो क्या है कि पहले आपको कंसेप्ट दे देता हूँ, चीजों को समझा देता हूँ, पूरा अच्छे से क्लियर करता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ। तो इससे क्या होता है कि आप लोग खुद जो है इस जो क्वेश्चन जो करते हैं, आपको खुद अपने आप में कॉन्फिडेंस आता हो कि हाँ, मैंने आज जो पढ़ा उससे मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। और वो क्वेश्चन ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन रिपीट किए हुए क्वेश्चन होते हैं जो कि कंपटीशन लेवल में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है बस मेहनत कीजिए और कॉन्टेक्ट बनाए रखिए। चलिए, अब हम लोग आज जो है बातों के कारवां को यही समाप्त करते हैं और हम लोग चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्लास नंबर 14 होगा, पार्ट नंबर 1, और टॉपिक है हमारा मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, चुंबक और विद्युत चुंबकत्व, ओके। तो ये हो गया कि आपका ये हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, ओके। तो इसमें हम लोग अच्छे से समझेंगे कि मैग्नेट्स क्या होता है, मैग्नेट्स के प्रकार को समझेंगे, ओके, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होता है, ठीक है, सोलोनाइड क्या होता है, ओके, इन सब चीजों को, फिर उसके बाद हम लोग जो आपका बेसिक जो थ्योरम्स है उन चीजों को भी देखेंगे, फिर लॉज है, प्रिंसिपल है, फिर मैग्नेट की इकाई, ये सब चीजों को तमाम तरह से हम लोग इन चीजों को समझेंगे।
आज पार्ट वन है, फिर इसमें दो चार लेक्चर चलेगा, तो आप लोग कंटिन्यू करते रहिएगा वीडियो को। तो देखिए, अब सबसे पहला बात आता है कि मैग्नेट या फिर चुंबक। तो मैग्नेट क्या होता है? ओके, हम लोग बात करें यदि मैग्नेट की, तो मैग्नेट होता क्या है? देखिए, एक मैग्नेट जो होता है वो क्या होता है, एक मटेरियल होता है, ठीक है, एक तरह का वस्तु कहिए, ठीक है। जैसे कि लोहा कैसे होता है या स्टील कैसे होता है या फिर लकड़ी किस तरह का होता है, उस तरह से ही एक ये भी एक मैग्नेट जो है एक मटेरियल होता है, ठीक है। और वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड अपने अराउंड जो है, हाँ, चुंबकीय जो है बल पैदा करता है अपने चारों बगल। मान लिया जाए जैसे ये कैप है, ठीक है, इसको आप एक मैग्नेट मान लीजिए, इसको एक आप चुंबक मान लीजिए। अब ये क्या करेगा, अपने अराउंड और इसके अगल बगल का जो एरिया है वहां पे अपना एक फोर्स पैदा करेगा, मैग्नेटिक फोर्स जो कहा जाता है, चुंबकीय बल, ठीक है। वो किस तरह का हो सकता है, या तो वो खींचने वाला बल हो सकता है, या तो ढकेलने वाला बल हो सकता है, ठीक है, या तो पुश करेगा, ठीक है, अपने तरफ क्या करेगा, पुश करेगा, खींचेगा, ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट को, सभी ऑब्जेक्ट को नहीं, वो भी मैं बताऊंगा कि किनको किनको अट्रैक्ट कर सकता है और किसको पुल कर सकता है, ढकेल सकता है, ठीक है। तो मैग्नेट का जो फोर्स है वो कुछ कुछ सब्सटेंस में ही अप्लीकेबल होता है, सभी में नहीं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक मटेरियल या फिर मैग्नेट्स किसको कहा जाता है, मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण जो है वस्तु उसकी ओर या तो खिंचा जाएगी, चिपक जाएगी उससे, या फिर उससे दूर चली जाएगी, या तो पुल कर लेगा वो, ठीक है, या तो वो पुल कर लेगा या तो पुश कर देगा, ठीक है, या तो पुल करेगा अपने तरफ करेगा या तो पुश करेगा मतलब ढकेल देगा। समझ में आया बात? तो कौन से मैग्नेटिक मटेरियल्स को वो अपनी ओर जो है आकर्षित करता है या फिर विकर्षित करता है, तो हो जाएगा जैसे आयरन, ठीक है, लोहा जो होता है उसको क्या करता है, अट्रैक्ट अपने तरफ करता है, ठीक है। आइए अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं, ये जो है एक हॉर्स शू टाइप मैग्नेट है, ठीक है, ये जो है एक हॉर्स का जो घोड़ा का जो नाल होता है ना उसी शेप का है, तो इसको क्या कहते हैं, हॉर्स शू, हॉर्स मतलब घोड़ा, शू मतलब जूता, ठीक है, तो या फिर पैर, घोड़ा का जो पैर होता है, ठीक है, घोड़ा का पैर में जो नाल पहनाया जाता है इसी शेप का, इसी टाइप का नाल पहनाया जाता है, तो घोड़ा के लिए क्या हुआ, शू हुआ कि नहीं, जूता हुआ कि नहीं, नाल जो होता है, ठीक है। तो ये जो मैग्नेट है हमारा किस टाइप का हो गया, घोड़ा के नाल के जैसा, तो क्या कहलाएगा, हॉर्सशू टाइप मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट होता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, ठीक है। इस तरह के हम लोग मैग्नेट अभी पढ़ेंगे सभी चीजों को, आप लोग पेशेंस बना के बस सुनते रहिए, अच्छे से समझते रहिए। आइए अब हम लोग कुछ बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैग्नेट तो हम लोग समझ गए कि मैग्नेट क्या होता है, अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो इसका जो आपका पॉइंट्स है उसको देखिए समझते हैं हम लोग। देखिए मैग्नेट के बारे में, तो देखिए मैग्नेट एक ऐसा पिंड होता है, ठीक है, जिसमें लोहा, निकेल आदि को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है, जो मैं बता ही रहा था कि ये क्या करता है, या तो लोहा को, ठीक है, आयरन को या फिर निकेल, ठीक है, इन सबको क्या करता है, ये अपने ओर जो है आकर्षित करने का उसके अंदर कैपेबिलिटी होता है, ठीक है। और यदि उसको इंडिपेंडेंटली लटका दीजिएगा आप, ठीक है, यदि उसको इंडिपेंडेंटली ऐसे एक धागे में बांध कर ऐसे लटका दीजिएगा एक बार मैग्नेट को, तो क्या होगा, सदैव हमेशा जो है वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरेगा। यदि आप उसको ऐसे घुमा दीजिए, ठीक है, आप क्या कीजिए, एक मैग्नेट ले लीजिए, ठीक है, उसमें थ्रेड बांध करके उसको टांग दीजिए, ऐसे घुमा दीजिए, ठीक है, उसको तो जब थोड़ा देर बाद जब वो रिलैक्स हो जाएगा, जब वो घूमना जब बंद करेगा, तो वो किधर अलाइन करेगा, किस दिशा में रहेगा, आपका हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में वो ठहरता है, ठीक है। ये इसका एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ देखिए, ये मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं क्लियर करके, तो देखिए यहाँ क्या हुआ है, ये हमारा एक मैग्नेट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक बार मैग्नेट है, ओके। अभी मैग्नेट देखिए, जब इसको इंडिपेंडेंटली जब हवा में लटकाया गया, तो ये किधर दिखाने लगा, ये जो है अर्थ, पृथ्वी का जो नॉर्थ, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, नॉर्थ पोल, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, इस ओर जो है अपने आप को अलाइन कर लेता है। मतलब ये बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है, ठीक है, साउथ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के तरफ डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है, और मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल, ठीक है, अर्थ का, पृथ्वी का ज्योग्राफिकल साउथ पोल के तरफ अलाइन हो जाएगा। इतनी सी बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है।
तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा पृथ्वी है, हमारा जो जो धरती है, वो इटसेल्फ एक्ट्स एज अ मैग्नेट, वो खुद ब खुद एक मैग्नेट जैसा ही बिहेव करता है, ठीक है, वो खुद एक मैग्नेट जैसा ही बिहेव करता है। इस वजह से कोई भी दूसरा मैग्नेट उसको अपने नॉर्थ पोल के तरफ, उसको अपने नॉर्थ पोल के तरफ मैग्नेट का साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इसलिए जो मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो पृथ्वी के नॉर्थ, ठीक है, उत्तरी ध्रुव तरफ घूम जाता है, और जो मैग्नेट का जो आपका मैग्नेट है, मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये जो आपका नॉर्थ पोल है वो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव तरफ घूम जाता है। बस इतना सा कंसेप्ट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। एक एक पॉइंट से यहाँ क्वेश्चन बनता है, मैं आपको ये बता दूं क्लियरली, जितना पॉइंट्स यहाँ दिया गया है सभी पॉइंट से, हर पॉइंट से एक एक क्वेश्चन बनेगा जरूर, और आप लोग को ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को भी मिलेगा। चलिए आइए अब सेकंड पॉइंट की बात करें, तो बेसिकली जो चुंबक का यदि रासायनिक रूप आप बोले, केमिकली केमिकल टाइप से वो जो उसका यदि आप कंपोजिशन यदि आप पता कीजिएगा, ठीक है, केमिकली उसका यदि कंपोजिशन आप पता कीजिएगा कि किस चीज से कैसे बना है, तो आप देखिएगा कि वो जो है ना आपका लोहे का ऑक्साइड है। क्या चीज का ऑक्साइड है? लोहे का, आयरन का ही एक ऑक्साइड है, ठीक है। तो आयरन का ऑक्साइड का नाम क्या है? मैग्नेटाइट। क्या है? मैग्नेटाइट, जिसको कि क्या बोलते हैं? Fe3O4, ठीक है, मैग्नेटाइट। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। आइए अब नेक्स्ट बात करें, तो जो चुंबक होता है, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, ध्रुव जो मैं अभी बता ही रहा था नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। तो दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो कितना हो गए? दो हो गए इसके ध्रुव हो गए। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, अति सूक्ष्म भागों को काट देने पर भी चुंबक में ध्रुव की संख्या दो होती है। यदि मान लिया जाए हम एक ये मैग्नेट ले लिए, ठीक है, ये मैग्नेट ले लिए, ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल, इसको जब आप काटिएगा बीचों बीच, इस मैग्नेट को बीचों बीच काट दीजिएगा, तो ये जब कट कर जब दो टुकड़ा में बनेगा, इस तरह से बनेगा ना दो टुकड़ा में, तो इधर इसका साउथ हो जाएगा, इधर नॉर्थ बन जाएगा, ये इसका साउथ हो जाएगा, ये इसका नॉर्थ हो जाएगा, मतलब ये फिर से एक इंडिपेंडेंट मैग्नेट बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचिएगा जिसको हम काट दिए बीच में तो नॉर्थ पोल अलग हो गया और साउथ पोल अलग हो गया, कभी नहीं होगा इस तरह से। जब ज्यों ही काट के आप अलग कीजिएगा तो ये वाला मैग्नेट कंप्लीट मैग्नेट बन जाएगा, मतलब इसमें भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल बन जाएगा, इसमें भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल बन जाएगा। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। आइए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो देखिए, यदि आप लोग पोल स्ट्रेंथ की बात करें, ठीक है, ताकत की बात करें, स्ट्रेंथ की बात करें, तो जो साउथ पोल में जितना ताकत है नॉर्थ पोल में भी उतना ही ताकत होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, यदि पोल स्ट्रेंथ की बात करें, क्षमता की बात करें, तो दोनों केस में नॉर्थ में भी और साउथ में भी, ठीक है, दोनों में क्षमता जो है बराबर, कहने का मतलब क्षमता क्या होगा, फोर्स जो है दोनों के पास सेम है, ठीक है, फोर्स क्या होता है दोनों के पास सेम ही रहता है। आइए तो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है कि देखिए, चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य बराबर होते हैं। ये मैं आपको बता दिया कि दोनों पोल का जो वैल्यू हो, जो स्ट्रेंथ होता है, जो कैपेसिटी होता है, स्ट्रेंथ होता है, वो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और दूसरी चीज है कि जैसे मैग्नेट है ना, इस पॉइंट पे बीच में, ठीक है, बीच में जो इसका वैल्यू होता है, जो फोर्स का जो वैल्यू होता है उसमें जी उस जगह में सबसे कम होता है, या फिर जीरो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। बीचों बीच जो है मैग्नेट का, जहां, ठीक है, मैग्नेट के पूरे बीचों बीच में जो वैल्यू होगा, स्ट्रेंथ जो होगा, वहां पे क्या होगा, जीरो के आसपास होता है, ठीक है। तो यही पॉइंट देखिए, चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ध्रुवों पर होती है और सबसे कम बीच में होती है, ठीक है। तो मिडिल में जो होता है, बीच में जो होता है, सबसे कम होता है, इस जगह में स्ट्रेंथ सबसे कम होता है, लेकिन किनारों पर जो है, ये ध्रुव के किनारों पर एंड्स पे क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। लेकिन ये कहिएगा कि सर साउथ का ज्यादा होता है नॉर्थ का ज्यादा, तो कभी नहीं, ठीक है। साउथ का ध्रुव लास्ट एंड पे और नॉर्थ के एंड पे दोनों में क्या होता है, सेम स्ट्रेंथ होता है, सेम कैपेसिटी होता है, सेम वैल्यू होता है। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए नेक्स्ट है कि चुंबक के किनारों की बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि किनारों की लंबाई यदि आप बात करेंगे, ये जो लेंथ है ना, ये वाला लेंथ, इसको ज्योमेट्रिकल लेंथ कहा जाता है,
ठीक है, ज्यामितीय लंबाई कहते हैं, ठीक, और ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। ये ध्रुव, ठीक है, ये ध्रुव के बीच का जो लंबाई होगा, ठीक है, ये जो लेंथ होगा वो क्या कहलाएगा, चुंबकीय लंबाई कहलाएगा। आया बात समझ में? और किनारों के बीच क्या कहलाएगा, किनारों के बीच कहलाएगा ज्यामितीय लंबाई कहा जाएगा। और ठीक मध्य में जो है होता है, जो बीचों बीच जो होता है वहां पे क्या होता है आपका, जीरो होता है कि नहीं। बीचों बीच जो होता है वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। मैं आपको बता ही रहा था, सब बहुत कम होता है या फिर कहिए तो जीरो होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, ये आप लोग जो है कुछ पॉइंट्स को जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था वो आप लोग समझ गए हैं। तो अब देखिए, यदि हम लोग बात करें तो दो चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। अभी बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, यदि समान ध्रुव है, समान ध्रुव है क्या मतलब कि यदि नॉर्थ पोल है और नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। सेम पोल विल ऑलवेज अपोज ईच अदर, ठीक है, एंड अपोजिट पोल विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। कहने का मतलब हुआ कि नॉर्थ नॉर्थ जो होगा हमेशा क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर भगाएगा, ठीक है, चिपकेगा नहीं, ओके। और यदि नॉर्थ और हम साउथ की बात करें, नॉर्थ और साउथ ले लीजिएगा, तो अपोजिट पोल है, अपोजिट पोल क्या होगा, चिपक जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चार्ज में भी देखते हैं कि जो आपका लाइक चार्जेस होता है वो क्या करता है, रिपेल करता है, और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करता है, आया ना। जनरल सी बात है, आप नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में भी देख सकते हैं, ठीक है, कि सेम जेंडर के यदि हैं तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट थोड़ी करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट जेंडर है यदि गर्ल बॉय है तो अट्रैक्ट होता है। तो वही सेम फंडा यहाँ भी है, ठीक है। जनरल जो नेचर का जो देन है वो सब जगह एक ही चीज फॉलो होता है, है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि यदि नॉर्थ पोल, जैसे मैं एक मैग्नेट बना दूं, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है, एक इधर बना दिया, बना देता हूं मैं नॉर्थ और ये साउथ, यदि इसको हम इसके सामने ले जाएंगे तो ये चिपक जाएगा, सड़क से चिपक जाएगा। लेकिन जो ही हम इसको नॉर्थ इधर साउथ कर दिए, और इधर भी क्या कर दिए, साउथ और इधर नॉर्थ कर दिए, इसको जैसे ही चिपकाने कोशिश करेगा तो नहीं चिपकेगा, क्या होगा, दूर भगेगा, सटेगा ही नहीं, एकदम दूर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए, इतना तो मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, लेकिन आप लोग हैं कि बहुत निराश करते हैं, ढंग से क्लास भी नहीं करते हैं, आते हैं भागते हैं जाते हैं। तो इस तरह से मत कीजिए, थोड़ा तकलीफ भी होता है और हौसला भी थोड़ा गिरता है, और इस तरह से चलता रहेगा तो फिर मुझे मजबूरी में ये वीडियो सेशंस भी बंद करने पड़ जाएंगे। चलिए कोई नहीं, जब तक आप लोग का साथ है तब तक हम हैं, नहीं है तो फिर हम भी नहीं है, ठीक। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं नेचुरल मैग्नेट्स की। नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, प्राकृतिक चुंबक, ठीक है, प्रकृति में पाया जाने वाला जो चुंबक होता है, नेचुरल चुंबक कहलाता है या फिर प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। अब देखिए, जनरली आपको फिगर में दिखा दूं तो ये जो है प्रकृति में इस रूप में पाया जाता है, एक पत्थर टाइप का शेप होता है, जो मैं बताया ही आयरन का जो है ऑक्साइड होता है, ठीक है, Fe3O4, ये भी देखिए मैग्नेट ही है, ये आपका पत्थर नुमा जो है प्रकृति रूप में, ठीक है, पाया जाता है, पत्थर के शेप में होता है, और इसमें प्रॉपर्टी जो होता है पूरा मैग्नेट वाला होता है। ये आप देख ही सकते हैं यहाँ पे जो है कील सब जो है, यहाँ पे जो आपका नेल्स जो है क्या है, चिपका हुआ है, यहाँ तक पिन जो है चिपका हुआ है। तो ये आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ये नेचुरल क्या है आपका, नेचुरल मैग्नेट है। देखिए, प्रकृति में मिलने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें लोहे को आकर्षण करने का गुण होता है प्राकृतिक चुंबक उसे कहते हैं, ठीक है। तो यही हो गया, अब बात करें इसकी शेप की, ठीक है, इसका शेप क्या होता है, इसका शेप कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, ठीक है, कोई फिक्स पत्थर भी, पत्थर ही जैसे आप देखते हैं पत्थर का, क्या कोई फिक्स्ड शेप होता है, नहीं होता है, जैसा तैसा उबड़ खाबड़, कोई हेक्सागोनल तो ऑक्टागोनल ये वो टाइप का, इररेगुलर शेप होता है, ठीक है, इररेगुलर शेप होता है। आइए चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट, कृत्रिम चुंबक। देखिए, अननेसेसरी पढ़ा के फायदा नहीं, जो इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन चीजों को ही मैं कंटेंट में डालता हूं अपना, ठीक है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें मैग्नेट में और भी कुछ हो सकता था कि हिस्ट्री इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि इसका कहाँ से हुआ था, शुरुआत कैसे हुआ था, कितना सन में हुआ था, कैसे पता चला था कि ये मैग्नेट है, पत्थर को कैसे आदमी आइडेंटिफाई किया, इस पर भी बहुत सारा 2-4 पन्ना का जो है थ्योरी है, लेकिन वो पढ़ा के फिर टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, है कि नहीं। तो और उससे क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, तो इस वजह से उन चीजों को मैं हटा दिया हूं, लेकिन जो पढ़ा रहा हूं बस उतना ही आप लोग पढ़िए।
आइए हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट या फिर कृत्रिम चुंबक को। तो देखिए कुछ पदार्थ को कृत्रिम विधियों द्वारा चुंबक बनाया जा सकता है, ठीक है, जैसे लोहा हो गया, इस्पात हो गया, कोबाल्ट इत्यादि, इन सबको कृत्रिम जो आर्टिफिशियल चुंबक हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं कृत्रिम चुंबक हम लोग उसको बनाते हैं, और ये जो है क्या कहलाता है कृत्रिम आर्टिफिशियल, मतलब मैन मेड। नेचुरल हो गया जो कि प्रकृति का देन है, और आर्टिफिशियल क्या हुआ ह्यूमन बींग्स का देन है, हम लोग का देन है, हम लोगों ने इसे बनाया है इस मैग्नेट को, ठीक है, लोहा या फिर स्टील, आयरन, कोबाल्ट इन सब का यूज करके, ठीक है। जैसे सैटेलाइट, आपको पता है कि पृथ्वी का सैटेलाइट कौन सा है, मून है, वो कौन सा सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, प्रकृति का देन है पृथ्वी को कि उसका एक अपना उपग्रह है, क्या है चंद्रमा। उसी तरह से आर्यभट्ट की बात करें, स्पुटनिक की बात करें, ये सब क्या है, ये सब जो है, या फिर चंद्रयान, ये सब क्या है आपका, ये सब जो है आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, मानव द्वारा रचित है, मानव द्वारा बनाया गया, आविष्कार किया हुआ चीजें हैं ये सब, ठीक है। तो क्या कहलाएगा आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उसी तरह से आर्टिफिशियल मैग्नेट। चलिए अब इसका जो है आकृति जो होता है, इसका जो शेप है उसका क्या था, इरेगुलर शेप था, उसका कुछ शेप नहीं था, लेकिन इसका क्या है शेप होता है, कुछ शेप इसका होता है। देखिए इसका छड़ नुमा होता है, छड़ चुंबक, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बार मैग्नेट्स। देखिए चीजों को समझिए एकदम, कितना प्रकार का मैग्नेट्स होता है सबको मैं अच्छे से आपको फिगर के साथ क्लियर करूंगा, ठीक है। इन फिगर्स को भी कलेक्शन करना पड़ता है और इन चीजों को भी अच्छे से पीपीटी बनाना पड़ता है, इसलिए कहता हूं कि बहुत मेहनत लगता है, आप लोग उस मेहनत का थोड़ा सा मोल चुकाइए, और कोई बात नहीं। चलिए तो देखिए ये क्या हो गया छड़ मैग्नेट, मतलब ये क्या हो गया बार मैग्नेट, सिंपल सा एक बार जो है लोहे का, लोहे टाइप का, जिससे कैसा होता है, ठीक है, वो हो गया आपका एक बार मैग्नेट, ओके। उसके बाद फिर घोड़ा नाल चुंबक, स्टार्टिंग में ही बता दिया मैं, घोड़ा नाल चुंबक, हॉर्स शू मैग्नेट, ये क्या हो गया हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, आप लोग नोट करते जाइए एक चीजों को, ये हो गया बार मैग्नेट, BAR मैग्नेट, ओके। उसके बाद सिलिंड्रिकल मैग्नेट भी होता है, सिलेंडर मतलब सिलेंडर जो होता है ना, बेलन जो होता है ना, बेलनाकार मैग्नेट कहलाता है सिलिंड्रिकल मैग्नेट, ठीक है। सभी में नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा, ओके। तो इसका आप ये भी देख लीजिएगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल किस तरह से है, जैसे कि इसका हम यदि बात करेंगे, ठीक है, इस हॉर्सू का, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ है और ये वाला पार्ट साउथ है, साउथ कहां तक, यहां तक आधा तक आया, और नॉर्थ कहां तक आया, ये भी आधा तक आएगा, आई बात समझ में। उसके बाद चुंबकीय सुई, ठीक है, इत्यादि, चुंबकीय सुई क्या होगा, मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल क्या होता है, जो कि आपका दिशा बताता है, ठीक है, जो कि आपका हमेशा कौन कौन सा दिशा बताता है, नॉर्थ और साउथ का दिशा आपका बताता है, और जो एरो होता है उसका जो पॉइंट होता है, जो तीर होता है, वो हमेशा नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड होता है, मतलब हमेशा उत्तर की ओर। तो आप मान लीजिए जंगल में आपको आंख में पट्टी उट्टी बांध करके एरोप्लेन में उठा करके ले गया और कहीं जंगल में फेंक दिया, अब आपको बाहर निकलना है, आप कैसे निकलिएगा, आपको आपको ये बोल दिया गया कि भाई उत्तर दिशा से तुम यदि बढ़ते रहोगे तो तुम जंगल पार करके जो है बाहर निकल जाओगे, अब क्या कीजिएगा, और आपको क्या किया गया है, एक मैग्नेटिक नीडल दे दिया गया या फिर कंपास दे दिया गया है, ठीक है, कंपास उसको कहा जाता है। तो आप उसको आप जो ही खोलिएगा और देखिएगा तो उसका जो नीडल होता है, मैग्नेटिक नीडल जो होता है, वो हमेशा किधर पॉइंट करता रहता है, उत्तर की ओर हमेशा वो दिखाता है, नॉर्थ की ओर जो है वो हमेशा पॉइंट किया हुआ रहता है। तो आप क्या कीजिएगा, उसको पकड़िएगा, देखते हुए जो दिशा वो नॉर्थ में दिखाता चलेगा उधर बढ़ते चले जाइएगा। यदि आपको बोल देगा कि नहीं भैया साउथ में आपको जो है रास्ता है आपका बाहर निकलने का, तो जिधर तीर दिखा रहा है उसके अपोजिट में चलते चलिए, ठीक है। तो ये जो है आपका मैग्नेटिक नीडल या कंपास जो है, जो सेलर्स लोग होते हैं, जो कि सीप जो ड्राइव करते हैं, ठीक है, समुद्र में, उन सब वो लोग इसका बहुत अच्छे से यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ आपको दिशा का जानकारी होता नहीं है, ठीक है, क्या दिशा पता चलेगा आपको, सिर्फ सूर्य को देख करके थोड़ी ना उतना आप अंदाजा लगा पाइएगा, ठीक है, रात के टाइम में कहां से सूर्य आपको क्या पता चलेगा किधर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, दिन में तो चलिए ठीक है, रात में, तो वो जो मैग्नेटिक निडिल होता है, जो कंपास होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मदद करता है, उसी से डायरेक्शन देख करके आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए हॉर्स शू मैग्नेट, ये तो यू टाइप था, ठीक है, ये यू टाइप था, और ये जो है हॉर्स शू मैग्नेट, मतलब वही जो मैं आपको बता रहा था हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक, इसको यू शेप बना दिया था, थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस नहीं है, देखिए थोड़ा सा ही डिफरेंस है, थोड़ा सा ये बैंड हो गया रहता है और ये यू करके नहीं बैंड होता है, ठीक है, इस तरह से, और हॉर्स शू कैसे हो गया इस तरह से, ठीक है, यही सर्कुलर मैग्नेट, मतलब कि गोल टाइप का सर्कुलर मैग्नेट हो गया, और ये हो गया रिंग टाइप का, अंगूठी टाइप का, ठीक है। देखिए अब एक पॉइंट है कि जो कृत्रिम चुंबक होता है,
कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा अधिक होती है हमेशा। जो आर्टिफिशियल जो हम लोग मैन मेड होता है उसका जो है उसका जो कैपेसिटी होता है मतलब कि चुंबक का जो गुण होता है अट्रैक्ट करने का खींचने का वो ज्यादा होता है किसका, आर्टिफिशियल का ज्यादा होता है किसके, प्राकृतिक चुंबक के अपेक्षा। चलिए तो हम लोग अब पहुंच जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपना जो कि है चुंबक के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। टाइप्स ऑफ मैग्नेट में बात करेंगे तो इसमें भी जो आपका है दो प्रकार के मैग्नेट होते हैं, एक तो आपका हो गया परमानेंट मैग्नेट, ओके परमानेंट मैग्नेट, और एक होता है टेम्पररी मैग्नेट जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। टेम्पररी मैग्नेट को ही इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहा जाता है, ठीक है आई बात समझ में। चलिए तो टेम्पररी मैग्नेट या फिर स्थाई स्थाई चुंबक किसको कहा जाता है, देखिए वैसे चुंबक जो कठिनता से चुंबक बनता है ठीक है, और कठिनता से ही चुंबक तो समाप्त हो जाता है अस्थाई चुंबक कहलाता है। देखिए कहने का मतलब है परमानेंट मैग्नेट्स जो होते हैं, जो मैं अभी जो आपको आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाया था बताया था ठीक है, तो उसमें वो जो चीज है यही उसी को हम लोग परमानेंट मैग्नेट कहते हैं, मतलब कि इसका जो गुण है ठीक है जो प्रॉपर्टी है ये भी जो है परमानेंट मैग्नेट ही बनाया हुआ ही चीज होता है, इंसानों द्वारा ही बनाया जाता है। लेकिन ये क्या होता है कि ये लंबे समय तक बहुत ज्यादा समय तक इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर रहता है, मतलब ये लोहे को या फिर निकेल को ये जो क्या कर सकता है अट्रैक्ट करता है लंबे समय तक बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के दिए। लेकिन हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं चुंबक बनाते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देकर के बनाते हैं, तो वो क्या होता है टेम्पररी होता है कुछ समय के लिए होता है, लेकिन ये जो परमानेंट होता है ये लंबे समय के लिए मैग्नेट बिहेवियर इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर होता है ठीक। इसको आप यदि सप्लाई नहीं भी दीजिएगा करंट नहीं भी दीजिएगा तो भी ये जो है चीजों को अट्रैक्ट करेगा लंबे समय तक, कुछ समय तक मतलब कुछ समय नहीं मतलब कि जब तक उसमें गुण है ठीक। लेकिन वो क्या होता है क्षणिक होता है, जब आप सप्लाई दिए तभी तक रहेगा, अगर सप्लाई नहीं दिए तो फिर वो उससे वो मैग्नेटिक जैसा मैग्नेट जैसा काम नहीं करेगा ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है मैं आपको अच्छे से बता भी दिया कि इसका जो यूज होता है आपका ऐसा समझ लीजिए कि लाउड स्पीकर जो हो गया, उसके बाद दिक सूचक वही आपका जो कंपास वगैरह सब है उसमें यूज होता है, फिर आपका गैल्वेनोमीटर जो हो गया गैल्वेनोमीटर में भी इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं ओके। चलिए तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि परमानेंट मैग्नेट ऐसा मैग्नेट है जिसका कि जिसमें मैग्नेटिक बिहेवियर लंबे समय तक रहेगा ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग परमानेंट मैग्नेट कहेंगे। विदाउट द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिना धारा विद्युत धारा के इस्तेमाल किए ठीक, और किन चीजों से ये बनाया जाता है तो देखिए अस्थायी चुंबक जो है इस्पात का बना होता है ठीक है, इस्पात का स्टील का बना होता है। देखिए मैं आपको बता दिया इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, गैल्वेनोमीटर लाउडस्पीकर इन सब चीजों में इसका यूज है, बहुत सारा एप्लीकेशन है इसका। तो देखिए अभी जो है इसे बनाने के लिए चुंबकीय मिश्र धातुएं भी प्रयोग की जाती है, मतलब कि मिक्स्ड धातु कहने का मतलब एलॉयज का यूज किया जाता है, और एलॉय में जो है आपका क्या है एल्निको ALNICO ठीक है, एल्निको और एल्कोनेक्स और एल्निको का प्रायः यूज किया जाता है मैग्नेट्स को बनाने के लिए। अस्थाई चुंबक जो है आपका परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए जो है इस्पात का यूज होता है मैं बताया आप लोग को, और एल्निको जो होता है वो क्या होता है एल्निको में एल्युमिनियम निकेल कोबाल्ट और लोहा होता है, एकदम बेहद इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि एल्युमिनियम यूज किया जाता है प्लस निकेल यूज किया जाता है Ni प्लस कोबाल्ट यूज किया जाता है CO और लोहा यूज किया जाता है Fe, इन चारों का इस्तेमाल किया जाता है एल्निको के लिए, किसके लिए एल्निको के लिए। एल्निको क्या है परमानेंट मैग्नेट बनाने की एक मटेरियल है, क्या है एक मटेरियल एक वस्तु है जिससे कि इसी से आपका परमानेंट मैग्नेट बनता है। आप कई बार देखे होंगे कि मैग्नेट आप ले लेते हैं और लोहे में रगड़ देते हैं थोड़ा देर तो वो लोहा में भी वो गुण आ जाता है, वो भी चीजों को थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट करने लगता है ठीक है। तो इसी तरह से इसका प्रोसेस भी होता है कैसे परमानेंट मैग्नेट बनता है, वो अभी कोर्स का चीज नहीं है तो उसको हम लोग कभी देखेंगे बाद में होगा तो ठीक है। लेकिन यहां तक अभी तक आप लोग को समझ में जो आ रहा होगा कि एल्निको जो होता है उसमें चार धातु
का मिश्रण होता है अल्मोनियम निकल कोबाल्ट और आयरन का, और वही क्या बनाता है हमारे परमानेंट मैग्नेट्स को बनाता है। ठीक है, चलिए अब एल्कोनेक्स, एल्कोनेक्स के बारे में भी आप जान लीजिए। एल्कोनेक्स क्या होता है, एल्कोनेक्स में अल्मोनियम एल प्लस कोबाल्ट सीओ प्लस निकेल और लोहा एफए, इसमें भी मोर और लेस जो है आपका जो कॉम्पोजिशन है वो सभी वही है। ठीक है, एल्कोनेक्स कहलाता है। ठीक, इससे भी आप लोग जो है परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स मैं थोड़ा आपको दिखा दूं, देखिए यहाँ पे ये सब कुछ परमानेंट मैग्नेट के एग्जाम्पल्स हैं। ये आपका बार टाइप में है, ये आपका सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, ये भी सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, ये आपका यू शेप में है। ठीक है, ये आपका जो है आपका क्यूब शेप में है। ठीक, तो ये सब आपका कुछ परमानेंट मैग्नेट्स हो गया ये सब। चलिए बढ़ते हैं आगे अगली टॉपिक की ओर, ये क्या है आपका टेम्पोरी मैग्नेट्स। चलिए, तो टेम्पोरी मैग्नेट्स नाम से ही पता चल रहा है क्या, अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक मतलब कि थोड़े समय के लिए, जब तक आपको जरूरत है मैग्नेट का उस टाइम तक के लिए, और फिर उसका जो शक्ति है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, देखिए वैसे चुंबक जो शीघ्र ही बन जाते हैं और शीघ्र ही चुंबकत्व समाप्त भी हो जाता है अस्थायी चुंबक कहलाता है। परमानेंट में क्या था, शीघ्र नहीं बनता है, वो लंबे समय तक रहता भी है, उसका चुंबकत्व भी जो है लंबे समय तक रहता है। लेकिन इसमें क्या टेम्पोरी क्या है, थोड़े समय के लिए आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से चुंबक जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें लाया जाता है, और फिर प्रॉपर्टी उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है चुंबक तो जो है वो समाप्त भी हो जाता है। उसको समझते हैं हम लोग। देखिए अस्थायी चुंबक जो होता है, अस्थायी चुंबक मतलब कि आपका टेम्पोरी मैग्नेट जो होता है उसमें नर्म लोहे का, मृदु लोहे का उपयोग किया जाता है बनाने के लिए। क्वेश्चन भी इससे आता है कि कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, मृदु लोहा या फिर नर्म लोहा। ठीक है, नर्म लोहा का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो विद्युत घंटी, जो आपका इलेक्ट्रिक बेल हो गया, डायनेमो हो गया, फिर आपका जो मोटर वगैरह सब में जो यूज होता है इन्हीं चीजों का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपका जो पंखा अभी बैठ के जहां पे आप पढ़ रहे हैं ऊपर जो पंखा घूम रहा है उसमें भी इन्हीं चीजों का यूज किया गया है। ठीक है, टेम्पोरी मैग्नेट ही वहां बना करके फैन को घुमाया जाता है। आया बात समझ में, तो मोटर्स वगैरह में बहुत ही ज्यादा यूज होता है, सिंगल फेज हो या फिर अदर मोटर्स हो, मोटर जनरेटर सब में इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिक बेल सब तो बताया ही नहीं। अच्छा, विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट ये क्या है, एक अस्थायी चुंबक होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, एक अस्थायी चुंबक होता है। और देखिए इसके चुंबकत्व का अस्तित्व तभी तक विद्यमान रहता है जब तक कि इसके क्वाइल में से विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। मतलब देखिए, अब मैं इन चीजों को आपको अच्छे से क्लियर कर दूं। देखिए ये एक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये देखिए एक क्या है आपका नेल ले लिया गया, क्या क्या कांटी एक ले लिया गया है, कांटी जो है एक सॉफ्ट आयरन टाइप का होता है। ठीक है, सॉफ्ट आयरन होता है, मृदु लोहा कहलाता है ये आयरन लोहा, ये वाला जो आप पढ़ देख रहे हैं। ठीक है, अभी क्या किया गया है इसमें, इसमें एक जो है वायर को लपेटा गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये क्या गया, इसमें वायर को लपेट दिया गया, इसके एंड्स को जो है सप्लाई से जोड़ दिया गया है, बैटरी से जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये जो हमारा जो लोहा है, ये वाला ये लोहा जो है अब मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगेगा। ठीक है, चीजों को अट्रैक्ट करने लगेगा और इसके जो चारों बगल जो है फील्ड बनने लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगा। यहाँ आप समझ सकिएगा अच्छे से, देखिए यहाँ पे क्या किया गया, वही चीज किया गया, सेम चीज को सप्लाई दे दिया, एक स्विच दे दिया गया ऑन ऑफ करने के लिए। जो ही आप इसमें स्विच ऑन कीजिएगा तो क्या होगा, धारा प्रवाह होगा इस वायर के जरिए, हाँ या ना, धारा प्रवाह होगा उस आपका कांटी में, और फिर ये जो आपका जो नेल था ये एक मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगेगा। इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको सोलोनाइड भी कहते हैं और या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये देखिए आप क्या किया, यहाँ पे जो कांटी सब है उसको अट्रैक्ट कर लिया, खींच लिया आपने और, ठीक है, चुंबक जैसा ये क्या करने लगा, बिहेव करने लगा, इस वजह से ये क्या कहलाया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ज्यों ही आप यहाँ पे सप्लाई को कट कीजिएगा, सप्लाई को क्या कर दिए, कट कर दिए, बंद कर दिए, त्यों ही जैसे ये जो चिपका था इससे अट्रैक्ट हुआ था कांटी सब, सारा छूट जाएगा, अलग हो जाएगा। मतलब इसका जो गुण था, अभी जो गुण जो इसमें आया था, चुंबक वाला जो गुण आया था, अब ये उसमें अब नहीं रहा, चुंबक का गुण इसमें अब नहीं रहा। ठीक है,
तो ये क्या करेगा, सारे कांटे को रिलीज कर देगा। आया बात समझ में? तो सप्लाई जब हम लोग देते हैं तब तक ही ये चुंबक बनता है, और सप्लाई जब काट देते हैं चुंबक का प्रॉपर्टी इससे खत्म हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेट कहा जाता है, और इसे टेम्पररी मैग्नेट भी कहा जाता है। यूज क्या है इसका, घंटी वगैरह में, विद्युत घंटी में, डायनामो में, इलेक्ट्रिक आपका जो मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, इन चीजों में इसका यूज किया जाता है। और साथ ही साथ जो है, यदि आपको शक्तिशाली इसको बनाना है, ठीक है, तो इसको आवश्यकता अनुसार जो शक्तिशाली भी आप बना सकते हैं, ठीक, पावरफुल बनाना है। कबाड़ा सब जो होता है, जहाँ की बहुत सारा गैराज में जो कचड़ा सब होता है, लाइक बहुत सारे पार्ट्स हो गए, मोटर वोटर सब के पार्ट्स हो गए, मोटरसाइकिल या फिर कार वगैरह का बहुत सारा जो बड़ा सब ये होता है, उसमें क्या कहता है, मैग्नेट का, इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज किया जाता है, और सबको एक साथ जो है चिपका लिया और ले जा करके फिर कहीं पे डंप कर दिया, फिर वहां क्रॉस कर दिया, मतलब कि जो पावर सप्लाई था कट कर दिया, पावर सप्लाई जैसे ही कट किया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म, और जितना चिपका हुआ था उसमें कचरा सब सब एक जगह जाके छूट गया, गिर गया नीचे, ठीक है, फिर उठाया, सेम प्रोसेस इस तरह से चलता है। बहुत सारा इसका एप्लीकेशन है, छोटा मोटा एप्लीकेशन नहीं, बहुत सारा एप्लीकेशन। तो देखिए, अब विद्युत चुंबक का सामर्थ्य निम्न बातों पर निर्भर करता है, मतलब कि आपका इसका जो इफिशियंसी का है या फिर इसका जो पावर है किन चीजों पर निर्भर करेगा। तो पहला है कि कितना लपटा आप दिए हैं कॉइल का, ठीक है, इसमें आप कितना टर्न मारे हैं, हाँ, इसमें आप कितना टर्निंग दिए हैं उस आयरन कोर में, ओके, ये इस पर डिपेंड करेगा इसका स्ट्रेंथ, चुंबक का जो इसमें प्रॉपर्टी आया वो स्ट्रेंथ, ताकत कितना हुआ, वो इस टर्न पे डिपेंड करेगा, नंबर वन। और दूसरा, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है, धारा कितना प्रवाह हो रही है, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो दो चीज, एक तो टर्न पे डिपेंड करेगा, एक उस पर धारा, करंट जो उसमें फ्लो कर रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और अब आप लोग का बारी है, मैंने अपना काम किया, आप लोग को बेहतर ढंग से चीजों को समझाने का प्रयास किया। अब जो इस पे जो अभी बहुत सारा बात को मैं समझाऊंगा इसमें, तो अगले क्लास में, लेकिन फिलहाल जो है अभी आप लोगों को जितने आप लोगों ने चीजों को समझा है उस पर बस क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को आप लोग को क्या करना है, टाइप करना है कमेंट सेक्शन में, तो जिससे मुझे भी पता चलेगा हाँ कि मेरे बच्चे जो है चीजों को समझ पाए हैं, तभी तो आंसर कर पा रहे हैं, है कि नहीं। तो आप लोग को मैं 5 सेकंड का मोहलत दूंगा, आप लोग को जितने बच्चे देख रहे हैं गलत यदि बताएंगे तो भी बहुत अच्छा, गलत कीजिए, गलती कीजिएगा तभी सीखिएगा, मैं बोलता हूं हमेशा, गलत कीजिए, गलत ही बनाइए, लेकिन बैठे रहिएगा ना तो कुछ नहीं सीख पाइएगा, कुछ 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 करते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं पढ़ना, ऑप्शंस आप लोग को टाइप करने हैं अपने कमेंट सेक्शन में, जो लाइव जो चैटिंग वाला जो चल रहा है वहां पे, उसमें आपको बस आंसर को टाइप करना है। तो चलिए सभी बच्चे एक्टिव हो जाइए और ध्यान से सभी को आंसर कीजिए आराम से। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अति सूक्ष्म भागों को काट देने पर चुंबक में ध्रुवों की संख्या होगी। यदि एक चुंबक ले लिए उसको बीच से काट दीजिएगा तो अभी उसमें जो है कितना ध्रुव होगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या कितना होगा। तो चलिए सभी कोई आंसर टाइप कीजिए, 5 सेकंड का टाइम है, चलिए 5 सेकंड ओवर। इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर बताइए, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी, 2 ही होगा। हमेशा से तो आप पढ़ते आए, क्या पढ़ते आए कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, बस। तो कितनों काटिए ना, काट काट के छोटा भी भाग कीजिएगा तो उसका भी आप नॉर्थ पोल को अलग नहीं कर पाइएगा, साउथ पोल को अलग नहीं कर पाइएगा। तो कितना है उसमें पोल, 2 पोल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2, हमेशा 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहां होती है, बताइए सबसे अधिक प्रबलता, सबसे ज्यादा इसका जो है इंटेंसिटी कहां होता है, सबसे ज्यादा ताकतवर वो कहां होता है पूरे मैग्नेट में। चलिए सभी कोई बताइए, जितने लड़के प्रेजेंट हैं, जितने वीडियो को देख रहे हैं, जिनका गलत यदि हो रहा है इसका मतलब यही है कि क्लास को ध्यान से नहीं सुने हैं, या तो इधर उधर ध्यान भटक रहा है या फिर कुछ से कुछ माइंड में चल रहा है फुरापाती, इधर का उधर का, इसके बारे में उसके बारे में सोच रहे होंगे। ऐसा नहीं कीजिए, क्लास 1 घंटे का होता है तो क्लास को अच्छे से कीजिए। चलिए बताइए 2 का क्या हो जाएगा सही आंसर, ध्रुवों पर। मैं आपको बताया था कि जो एंड्स होता है, ये जो ध्रुव होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है, इसका प्रबलता होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, 2 का क्या हुआ, ए, 2 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कृत्रिम चुंबक की क्षमता
प्राकृतिक चुंबक की उपेक्षा क्या होती है, कम होती है, ज्यादा होती है, आधी होती है, बराबर होती है। आप देखे, आप ये चीज मार्क कर रहे होंगे जो कंटेंट्स में पढ़ा है, जो भी थ्योरी पढ़ा है उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस भी है। तो सोच सकते हैं कि सिर्फ उतने टॉपिक्स का क्वेश्चन कलेक्शन करना कितना एक बड़ा बात है और उसके उसमें मतलब कितना मेहनत लगता होगा, ये चीज का शायद आप लोग को अंदाजा नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग आंसर कीजिए, मुझे खुशी होगी। चलिए, तीन नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, क्या होता है? कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा क्या होगी, ज्यादा होगी, कम होगी, बराबर होगी? ऑप्शन नंबर बताइए सब सभी कोई। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मैं बताया भी था क्या होगा, हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। कृत्रिम नेचुरल से आर्टिफिशियल का क्या होगा, ज्यादा होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चार पे। तो क्वेश्चन नंबर चार कहता है कि विद्युत चुंबक है, ठीक है, एक क्या है विद्युत चुंबक क्या है, ठीक है, अस्थाई चुंबक है, प्राकृतिक चुंबक है, अस्थाई चुंबक है, इनमें से कोई नहीं। सभी कोई बताएंगे इसका आंसर। चलिए 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी जल्दी। क्या है? अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक मतलब टेम्पोररी मैग्नेट। ऑप्शन नंबर क्या गया? सी गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट आप लोग को मैं समझा दूं पहले, यहां पे देखिए, यहां पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बता देता हूं। यहां देख लीजिए, इस क्वेश्चन के लिए आपको ये पॉइंट मैं क्लियर नहीं किया। देखिए यहां पे ये क्या है, आपका साउथ पोल है, ये है आपका नॉर्थ पोल। तो हमेशा जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होता है, जैसे कि मैं वो क्लास में बताया था आपका बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में बताया था ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव जो है आपका जो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जाता है, ठीक है, बताया था आपको, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे जो है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जो है ये आपका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है ट्रेवल करेगा, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, इधर भी नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ठीक, मतलब नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगा और साउथ पोल में खत्म होगा। फिर एक दूसरा पॉइंट ये भी है कि नो टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, नो टू मैग्नेटिक लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या हुआ कि कोई दो रेखा आपस में जो है इस तरह से क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअली ट्रेवल करेगा, ठीक है। चलिए हम लोग वहां पे आ जाते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपना। तो क्वेश्चन देखिए क्या था, आपको बताना था कि किस ध्रुव से किस ध्रुव की ओर होती है। तो आप बता सकते हैं, आप लोग 5 का बताइए आंसर। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक डैश राशि है, कौन सी राशि है, सदिश अदिश दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग को शायद पता नहीं हो क्योंकि ये टॉपिक अभी नहीं कराया गया है, तो खैर कोई नहीं, कल ये वाला पार्ट हो जाएगा, इसको थोड़ा सा आप याद रखिए, ध्यान रखिए, ऐसे में क्लियर कर दूंगा कल। ये आपका होता है सदिश राशि, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान होता है, ठीक है, वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान होता है, क्या होता है, इकाई होता है, शून्य होता है, ऋणात्मक होता है, घनात्मक परंतु अत्यधिक, तो बताइए इसका आंसर सभी कोई। हाँ तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 7 का हो जाएगा ए, क्या होता है, इकाई होता है, ठीक है, इकाई होता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग बात करते हैं, जिस पदार्थ की धारणा शक्ति अधिक होती है वह उपयुक्त है, क्या चीज के लिए उपयुक्त है, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए, वह चुंबक नहीं बन सकता, इनमें से कोई नहीं। 8 का बताइए सभी कोई, जिसकी धारणा शक्ति अधिक होती है, ठीक है, तो जिसकी धारणा शक्ति अधिक होती है वो अस्थाई चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, ए,
चलिए अभी हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है? कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ है? निकेल, अल्मोनियम, प्लैटिनम, जस्ता, बताइए। ये तो आप लोग बता पाइएगा आराम से, 5 सेकंड का टाइम है। सभी कोई मुंह मत ताकि एक दूसरे का, सभी कोई कमेंट कीजिए। आंसर गलत ही लेकिन कमेंट कीजिए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, निकेल। चलिए, निम्नलिखित में अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? 10 चुंबकीय पदार्थ तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, कौन कौन सा। निकल कितने बार जिक्र कर दिया, हाँ या ना? कोबाल्ट भी जिक्र, इसका भी जिक्र किया, कोबाल्ट का भी जिक्र किया और लोहा का भी जिक्र किया, लेकिन चुंबक अल्मोनियम के बारे में कभी बोला क्या कि वो जो जो है आपका मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा? कभी नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। ठीक है, चुंबकीय में आ जाएगा निकेल, कोबाल्ट और लोहा। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 11 की ओर। इसका क्या हुआ? बी हुआ। चलिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की अस्थाई चुंबक नहीं बना सकते हैं? अब बोल रहा है कि कौन किस किस पदार्थ से जो है आप अस्थाई चुंबक नहीं बना पाइएगा, बताइए। कठोर इस्पात, निकल, नर्म लोहा, स्टेनलेस स्टील। 11 का सभी कोई बताइए, सभी कोई अस्थाई चुंबक नहीं बना सकता, परमानेंट मैग्नेट आप नहीं बना पाइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, बी क्या हो जाएगा? नर्म लोहा। क्यों क्यों नहीं, क्यों हो जाएगा नर्म लोहा? क्योंकि नर्म लोहा से जो है हम लोग अस्थाई चुंबक बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं, हाँ या ना? ठीक है, सोलेनोइड बनाते हैं, इससे नर्म लोहा से। मृदु लोहा, नर्म लोहा एक ही चीज है। ऑप्शन में आपको मृदु लोहा मिलेगा तो छोड़ के नहीं आना है, टिक करके आना है, आंसर सही करके आना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबक के प्रतिकर्षित होता है? ठीक है, चुंबक से प्रतिकर्षित मतलब अट्रैक्ट होता है, बताइए। 12 का सभी कोई टाइप कीजिए आंसर। प्रतिकर्षित मतलब अट्रैक्ट नहीं, प्रतिकर्षित मतलब रिपेल होता है। ठीक है, आकर्षित होता तो फिर हम लोग यहाँ पे बात करते, तो कौन सा आंसर होता बताइए? दोनों का आप आंसर बताइए। यदि मैं बोल दूं कि यदि अट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो चुंबकीय पदार्थ किसको अट्रैक्ट करेगा? अल्मोनियम को करेगा, सोडियम को, तांबा को या कोबाल्ट को? उसका आंसर होता कोबाल्ट। उसका उस केस में क्या होता? कोबाल्ट होता। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि नहीं करता है। ठीक है, कौन सा पदार्थ चुंबक से प्रतिकर्षित होता है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? तांबा। ओके, तांबा जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, किस चीज का प्रयोग करते हैं? जस्ता का, कॉपर का, चांदी का या फिर सिलिकॉन इस्पात का? तो देखिए, जस्ता, चांदी, कॉपर, ये सब जितना भी पार्ट है ना, ये सब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। क्या है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब रही बात सिलिकॉन स्टील की, ठीक है, तो सिलिकॉन स्टील जो होता है ये आपका ट्रांसफार्मर के जो क्रोड होते हैं, जो क्रोड होते हैं, मतलब कि अंदर का जो आपका जो लोहा वाला जो पार्ट होता है जिसमें कि क्वाइलिंग किया जाता है, क्वाइल्स जिसमें कि लपेटा जाता है, उसी को हम लोग जो है आपका क्रोड कहते हैं। तो वो किस चीज का बना होता है? सिलिकॉन इस्पात का, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 पे, विद्युत मशीनों को क्रोड पटलित क्यों बनाते हैं? विद्युत मशीनों को क्रोड पटलित क्यों बनाते हैं? तो इसका सही आंसर बताइए। मैं क्वेश्चन ऑप्शन आपको पढ़ देता हूं। भंवर धारा हानि कम करने के लिए, शैथिल्य हानि, ताम्र हानि, लोह हानि। ये एक्चुअली डीसी मशीन का क्वेश्चन है, कोई नहीं, आप लोग पढ़े होंगे तो इन चीजों को समझ रहे होंगे कि ये क्या है। ठीक है, भंवर धारा मतलब क्या होता है? ईडी करंट। भंवर धारा मतलब ईडी करंट, तो ईडी करंट को कम करने के लिए। उसके बाद शैथिल्य हानि, उसके बाद ताम्र हानि, लौह हानि। तो क्रोड पटलित क्यों किया जाता है, बताइए। सभी कोई बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ए,
ठीक है, भंवर धारा को कम करने के लिए, मतलब ईडी करंट को कम करने के लिए, ठीक है। ये हम लोग डीसी मशीन में अच्छे से पढ़ेंगे क्या होता है ईडी करंट, ये सब चीजों को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब चीज है, बसरते आप लोग अच्छे से इस तरह से क्लासेस वगैरह करते रहिएगा। तब देखिए, स्थैतिक विद्युत वाहक बल का मान निर्भर करता है, स्थैतिक विद्युत वाहक बल का मान निर्भर करता है, किस चीज पर निर्भर करता है भाई? क्वाइल के प्रतिरोध पर, फ्लक्स के मान पर, फ्लक्स परिवर्तन की दर पर, फिर चालक के आकार पर, किस पे करता है बताइए? विद्युत वाहक बल ईएमएफ, ईएमएफ किस पर करता है? तो फ्लक्स के परिवर्तन के दर पर करता है, ठीक है, फ्लक्स के परिवर्तन की दर पर। ऑप्शन नंबर जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन है चुंबकीय, पैरा चुंबकीय, डाया चुंबकीय, पैरा चुंबकीय, इसका क्या हो जाएगा? अल्प मात्रा में, ठीक है, मिनिमम वैल्यू पूछा गया आपसे, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी। 370 नंबर, छड़ चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है, ठीक है, कौन सी दिशा होती है? जो छड़ चुंबक हो गया, जो 12 मैग्नेट आपका होता है, उसमें बोल रहा है कि चारों ओर जो चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स जो पैदा हुआ, उसका कौन सा दिशा होता है? तो इसका दिशा क्या चेंज हो जाएगा क्या? नहीं ना, जो बताए हैं, जो 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 कंसेप्ट है वही रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 देखिए, जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है डैश बनाने के लिए उपयुक्त होता है। अब धारण शक्ति जिसका अधिक होता है तो वो क्या चीज के लिए उपयुक्त होता है? अस्थाई चुंबक, विद्युत चुंबक, स्थाई चुंबक, या फिर अस्थाई एवं अस्थाई चुंबक, दोनों प्रकार के? सभी को बताइए इसका आंसर। इसका हम बताए भी थे धारण शक्ति, पहले भी क्वेश्चन इस तरह का आया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए ज्यादा उपयोगी होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछा गया है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बताना है आपको क्या होगा? वेबर, उस दिन का जो टेस्ट कराया था मैं, ठीक है, परसों जो टेस्ट कराया था उसमें भी ये क्वेश्चन दिया था मैं, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इसका याद रखिएगा क्या होगा? वेबर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं हम लोग, कौन सा पदार्थ अस्थाई चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है? अस्थाई चुंबक की बात कर रहा है, अस्थाई, अस्थाई, अस्थाई मतलब परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए उपयुक्त होता है। अब इसका आंसर सभी को ही बताइए, ठीक है, इसका आंसर सभी को ही बताइए, हर एक का मैं अब देखना चाहता हूं, जितने बच्चे अभी ऑनलाइन देख रहे हैं सभी बच्चे कमेंट कीजिए। इसका आंसर मैं बहुत इस पे चीजों को आप लोग को समझाया था, इसका आंसर बताइए सभी को। देखिए, कार्बन स्टील भी होगा, ठीक है, उसके बाद एल्कोनेक्स भी हो जाएगा, फिर एल्निको भी हो जाएगा, हाँ, तो क्या हो गया आंसर? क्या होगा? सभी, ये सभी, ऑप्शन नंबर क्या चल गया? डी चल गया। तो 20 का क्या हो गया? डी हो गया। आइए अब हम लोग आज के क्लास का जो है लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं, और फिर ये क्वेश्चन करने के बाद हम लोग जो है क्लास को आज वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है 21 नंबर, सभी कोई बनाइए इसको, ठीक है, और लास्ट का क्वेश्चन आप लोग के लिए असाइनमेंट है, एक तरह से होमवर्क है, आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। सोलेनोइड की कोर में, सोलेनोइड से कंफ्यूज नहीं होगा, सोलेनोइड क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को ही कहा जाता है, अस्थायी चुंबक को ही कहा जाता है एक तरह से, ठीक है। तो कोर में क्या प्रयोग किया जाता है? अब इसका आंसर आप लोग को बहुत लड़के मेरे ख्याल से आंसर दे भी रहे हैं, और इसके बारे में मैं बताया भी था, कॉपर, अल्मोनियम, जस्ता, इन सब का कहीं कोई लेना देना ही नहीं है मैग्नेट से, एकदम नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट चाहे किसी भी तरह का, तमाम तरह का मैग्नेट में कॉपर, अल्मोनियम, जस्ता, इन सब का कोई लेना देना नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग सभी को जान गए, अब तो सभी को जान गए, ठीक है। तो चलिए गाइस, आप लोग का ये सेशन जो है आज एंड यहीं पे हो रहा है, तो होप कि आप लोग को चीजें जो है बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी, और आज जो है हम लोगों ने मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पे जो है पहला पार्ट
किया है। अब इस पे जो है और भी अच्छी अच्छी चीजें हैं, इसमें बहुत कुछ जानने के लिए है। इन चीजों को मैं जो हूँ आपको अगले क्लासेस में आपसे आपसे इन चीजों को ये करूंगा, क्लियर करूंगा। तो बस आप लोग जो है इस तरह से एक जुड़ाव सा बनाए रखिए, और जो आप लोग के कलीग हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उन लोग को भी इंस्पायर कीजिए, उन लोग को भी मोटिवेट कीजिए कि कुछ पढ़ लें और आ करके वीडियो जरूर वॉच करें। देखिए मैं 10 बजे जो हूँ रोज क्लासेस को ये करता हूँ, ऑनलाइन ये करता हूँ, ठीक है, लेता हूँ। तो एक सिस्टम सा बन जाता है कि हाँ रोज इन चीजों को 10 बजे करना है, पढ़ना है, आधा घंटा एक घंटा पढ़ना। इससे क्या होगा कि आप लोग यदि छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, यदि सोचेगा अच्छा ठीक है सुबह में नहीं हो सका बाद में देख लेंगे, तो वो फिर एक स्टॉक बनता जाएगा, दिक्कत होगा आपके लिए। इसलिए एकदम प्रॉपर टाइम पे आइए, लेट कर देते हैं 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट तो आपका पीछे का भी निकल जाता है ना। तो आप लोग पक्का 10 बजे आइए, एकदम 10 से 2-5 मिनट पहले आ जाइए ना, क्या दिक्कत है, क्या जा रहा है आपका, फ्री में तो क्लासेस हो रही है, पैसा लग नहीं रहा है। और इतना विजुअलाइज करा के चीजों को मैं समझाता हूँ, सब सारा फिगर्स के साथ इतना मेहनत करता हूँ, पीपीटी बनाता हूँ। तो आप लोग को इतना तो चाहिए कि कम से कम क्लासेस आ करके करें, क्लासेस कीजिए, बेहद जरूरी है, क्योंकि आप लोग के एग्जाम्स भी हैं और फिर एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी जो बच्चे कर रहे हैं उन लोग के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आप लोग का ये कर्तव्य बनता है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को जो जो न्यू आते हैं देखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इन सब चीजों से भी हम लोग को भी एक मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को भी कम से कम लाइक कीजिए यदि पसंद आता है तो, बहुत बच्चे ऐसे देख के निकल जाते हैं, तो लाइक लाइक कीजिएगा तो मुझे भी एक मोटिवेशन लगेगा कि हाँ बच्चे जो है सीख रहे हैं।